बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमने ये स्टोर अपना क्रिएट किया था पिछले सेशन में, जिसका नाम हमने रखा था जी शॉप मॉडर्न 2023, और इसकी एक्सटेंशन आगे जो है वो .myshopify.com है, क्योंकि हमने अभी डोमेन परचेज़ नहीं की। जब हम डोमेन परचेज़ करेंगे तो ये .myshopify हट जाएगा, .com रह जाएगा सिर्फ। ठीक है, अभी इस वक्त हम स्टोर की लुक देख लेते हैं। ऑनलाइन स्टोर पे जाके हम इस आई पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास हमारा स्टोर खुल गया। इसमें अभी फ़िलहाल कोई भी चीज़ ऐड नहीं है। इसका जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट होता है, डिफ़ॉल्ट थीम होता है, वही लगा हुआ है। अब हम इसमें इसको एडिट करेंगे, इसमें सारी चीज़ें वो डालेंगे। फ़र्ज़ करें हम अपना स्टोर की नीश जो है वो रखना चाह रहे हैं जी होम डेकोर की, उसी हिसाब से हम इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करके देख लेता हूँ कि इस टाइम हमारा थीम कौन कौन सा लगा हुआ है इस पे। तो ये हमारा थीम, करंट थीम जो है वो डान थीम लगा हुआ है इस पे। ठीक है, अगर हम नीचे जाएँ तो यहाँ पे कुछ फ्री थीम शॉपिफाई ने हमारे साथ शेयर किए हुए हैं, जिसमें कि पहले नंबर पे डान है, फिर रिफ्रेश है, फिर सेंस है, और क्राफ्ट है, और ओरिजिन है। अच्छा जी, इसमें अभी 1 2 3 4 5 फ्री के थीम इन्होंने शेयर किए हुए हैं। बाकी हम विजिट थीम स्टोर पे क्लिक करेंगे तो हमें बाकी जो थीम सारे इनके होते हैं वो शेयर हमसे हमारे साथ हो जाएंगे, हमें नज़र आ जाएंगे जितने भी थीम्स अवेलेबल हैं। इनमें कुछ फ्री होंगे और कुछ परचेज़ करने पड़ते हैं। तो यहाँ से अगर मैं प्राइस पे क्लिक करूँगा तो हमें यहाँ पे शो हो जाएगा ऑप्शन फ्री का या पेड का। तो उसी हिसाब से फ्री और पेड थीम जो है वो हमें सारे के सारे शो हो जाएंगे डिफरेंट। अभी इस टाइम 116 स्टोर, 116 थीम्स आपको नज़र आ सकते हैं, जिसमें से 124 अभी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये वाले हैं थीम। अच्छा जी, अभी इस वक्त जो हमारा थीम लगा हुआ है वो डान है, तो हम इसी के साथ जाएंगे। ये एक अच्छा थीम है। अब हम चले जाते हैं जी, हमने इसको एडिट करना है हमारे स्टोर को। तो इसमें सबसे पहले एडिट करने से पहले भी जो पहले काम है करने वाले वो पहले कर लेते हैं। सबसे पहला काम ये होता है कि आपने इसकी सेटिंग्स में जाना है स्टोर की, और यहाँ पे जहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपके सामने, यहाँ पे आपने अपना एड्रेस ऐड करना होता है, जहाँ का भी आपका कार्ड है, जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आपने इस पे यूज़ करना है शॉपिफाई की फ़ी पे करने के लिए, तो उस जगह का आपने यहाँ पे एड्रेस दे देना है इसका। ठीक है, इसमें फ़र्क ये होता है कि अगर फ़र्ज़ करें मैं कार्ड पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे एड्रेस USA का लगा लेता हूँ, क्योंकि मैंने अपने कस्टमर मेरे USA के हैं, मैं स्टोर USA में बनाना चाह रहा हूँ। तो जब मैं यहाँ पे USA का एड्रेस डालता हूँ और जब कार्ड में पाकिस्तानी डालूंगा, तो यहाँ पे मसला फिर ये आ जाएगा कि आपका स्टोर डिसेबल हो जाएगा जैसे ही आप इसका शॉपिफाई का प्लान पे करेंगे। ठीक है, ये प्लान होता है, इसमें जब आप फ़ी पे करेंगे तो साथ ही आपका स्टोर डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, उसकी वजह ये है कि आपकी डिटेल्स डिफरेंट हैं। आप यहाँ पे एड्रेस USA का यूज़ कर रहे हैं और आप कार्ड पाकिस्तानी यूज़ कर रहे हैं। इससे बचने के लिए आपने एड्रेस वही डालना है जहाँ का आपके पास कार्ड है। अगर आपका क्लाइंट USA का है तो आपने USA का ही एड्रेस डालना है। अगर आपका क्लाइंट UK का है तो आपने UK का एड्रेस डालना है, और कार्ड भी वहीं का होना चाहिए। अगर आपका आप पाकिस्तानी कार्ड यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपने एड्रेस पाकिस्तानी डाल लेना है। इसमें लोकेशंस आप डिफरेंट डाल सकते हैं, वो यहाँ पे लोकेशंस का ऑप्शन होता है, उसमें डिफरेंट लोकेशंस ऐड कर सकते हैं। आप एक टाइम में 8 लोकेशंस इस प्लान पे इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 of 8 लिखा आ रहा है। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसमें पाकिस्तानी डिटेल्स डालूंगा क्योंकि मैं पाकिस्तानी कार्ड इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर आपने दूसरी चीज़, यहाँ पे फ़ोन नंबर ऐड नहीं होता, आपने फ़ोन नंबर लाजमी ऐड करना है। जब आप फ़ोन नंबर ऐड करके सेव कर लेंगे तो उसके बाद आपकी यहाँ पे स्टोर करेंसी आपको पाकिस्तानी रुपीज़ में शो हो रही होगी। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने इसको किस करेंसी में रखना है। जब एक बार करेंसी सेट हो जाती है और आपका फ़र्स्ट ऑर्डर रिसीव हो जाता है, तो फ़र्स्ट ऑर्डर के बाद आपकी ये करेंसी चेंज नहीं होगी। इसलिए आपने इस पर लाजमी गौर करना है कि आपने कौन सी करेंसी चूज़ करनी है। अगर आप पाकिस्तानी मार्केट में काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे PKR चूज़ करना होगा, क्योंकि आप पाकिस्तानी
रुपीज़ में चीज़ें बेचना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको पीकेआर में करेंगे, पाकिस्तानी मार्केट में जब आप काम करते हैं। जब आप यूएस में काम करते हैं या यूके में काम करते हैं, तो उसी हिसाब से आपको यूएस में या यूके जो भी आपको चाहिए, यूएसडी चाहिए तो उसी हिसाब से, या पाउंड में, आपने उसकी करेंसी सेट कर लेनी है। या अगर ग्लोबल आप बेचना चाह रहे हैं तो आप उसको यूएसडी में ही रखें, ताकि जो भी कोई परचेज़ करे वो उसी हिसाब से या तो यूएसडी में परचेज़ करेगा या उसको ऑप्शन आ जाएगा। आप इसमें एक ऑप्शन होता है कि लोगों को ये शो हो कि जी आप अपनी ही करेंसी में पे कर सकते हैं, तो वो कन्वर्ट होके फिर आपको पैसे मिलेंगे। तो इसलिए इस पे आपने ज़रूर देखना है इसको कि यूएसडी करेंसी रखना है या पाकिस्तानी रुपीस रखना है या पाउंड रखना है या यूरो रखना है, जो भी जिस मार्केट में काम करें उसी हिसाब से। इसी तरह फिर आपका आगे टाइम जोन आ गया, जहाँ का आप चूज़ करना चाह रहे हैं आपका टाइम उसी हिसाब से इसमें शो हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं पाकिस्तानी मार्केट में कर रहा हूँ तो उसी हिसाब से मैं पाकिस्तानी करूँगा, या यूएस में कर रहा हूँ तो यूएस का हिसाब। इसी तरह ही किलोग्राम या मैट्रिक, कौन सा सिस्टम आपने इंपीरियल रखना है तो वो पाउंड आ जाएगा, इसी तरह ही मैट्रिक मैट्रिक करेंगे तो किलोग्राम आ जाएगा। ये उसके प्रोडक्ट्स के वेट वगैरह के लिए होता है। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें करने के बाद हमने इसको कर लेना है सेव, ठीक है। और क्योंकि अभी मैंने कोई भी एडिट चीज़ नहीं की, इसलिए सेव का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आपको सेव का ऑप्शन आएगा, आपने सेव कर लेना है। ये काम करने के बाद दूसरा काम हमारा ये होता है कि कोई भी हम वेबसाइट बनाते हैं तो उसकी डोमेन परचेज़ करते हैं। इस टाइम हमारी कोई डोमेन परचेज़ नहीं की हुई, तो ये हमें शॉपिफाई ने ख़ुद अपनी दी है डॉट माई शॉपिफाई डॉट कॉम के साथ। जब हम कोई नई परचेज़ करना चाहते हैं तो वो हम गो डैडी पे भी चेक कर सकते हैं, यहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें शॉपिफाई का अपना भी एक ऑप्शन होता है। ये डोमेन्स सेटिंग में जाके डोमेन्स में जाते हैं, तो यहाँ से आप बाय न्यू डोमेन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नया डोमेन परचेज़ करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप फ़र्ज़ करें ये हमारा शॉप मॉडर्न 2023 वेबसाइट का फ़र्ज़ करें डोमेन है, तो वो हम बाई करना चाह रहे हैं तो ये बाई हो जाएगा। अगर फ़र्ज़ करें मैं चेक करता हूँ कि सिर्फ शॉप मॉडर्न अवेलेबल है या नहीं, तो वो अन अवेलेबल है, ठीक है। तो मुझे कोई ना कोई चीज़ साथ मतलब 2023 लगाना पड़ेगा, फिर ये डोमेन अवेलेबल हो जाएगी, तो मैं इसको बाई कर सकता हूँ। यहाँ से मैं बाई करूँगा तो हमारी ये जो शॉप मॉडर्न डॉट शॉपिफाई डॉट कॉम है, ये शॉपिफाई माई शॉपिफाई वाला जो ऑप्शन है ख़त्म, यहाँ से डिलीट हो जाएगा और डायरेक्ट डॉट कॉम पे वेबसाइट खुलेगी, जो कि एक प्रोफेशनल लुक होती है स्टोर की। कि आप कोई भी स्टोर खोलते हैं, जैसे गूगल डॉट कॉम है, ठीक है, याहू डॉट कॉम है, तो वो डॉट कॉम है, वो डॉट माई शॉपिफाई नहीं है, ठीक है। तो ये एक प्रोफेशनल लुक देने के लिए हमें डोमेन बाई करना पड़ती है, और ये पर ईयर हम इसे पे करते हैं। उसके बाद जब ये सारा कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, हम या तो पहले प्रोडक्ट्स ऐड कर लें, ठीक है। इसमें दो ऑप्शन है कि एक हम प्रोडक्ट्स ऐड कर लेते हैं, पहले फ़र्ज़ करें फर्स्ट प्रोडक्ट हम ऐड करते हैं, उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, अपनी एक कलेक्शन बनाएंगे, ठीक है। जब भी कोई स्टोर बनाते हैं, मैं आपको एक वेबसाइट टिकटुक डॉट कॉम है, इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ कि जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं पहले तो हम उसकी डोमेन परचेज़ करते हैं, जो ये की हुई है टिकटुक डॉट कॉम, ठीक है। ये भी शॉपिफाई पे बना हुआ एक स्टोर है। उसके बाद उसमें कलेक्शन ऐड की जाती हैं, जैसे कि इसमें कलेक्शन ऐड की हुई हैं, वुमेन फैशन है, ज्वेलरी है, लग्जरी एक्सेसरीज़ है, मेन एक्सेसरीज़ हैं, ठीक है। तो इसमें ये सारी कलेक्शंस ऐड की हुई हैं। अब इनकी सब कलेक्शंस भी आगे इन्होंने दी हुई हैं ये नीचे, ठीक है। इसी तरह हम भी एक कलेक्शन को ऐड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कलेक्शन ऐड करते हैं, उस कलेक्शन में हम फिर उस के हिसाब से प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। फ़िलहाल होम पेज के नाम से कलेक्शन बनी हुई है, तो हम नई कलेक्शन एक बना लेते हैं, ठीक है। इसमें कलेक्शन हम बना लेते हैं, फ़र्ज़ करें होम डेकोर की ही बना लेते हैं या रूम डेकोर की बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम उसकी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। इसमें हम दो ऑप्शन होते हैं कि आपने इसको मैनुअल प्रोडक्ट्स को ऐड करना है या ऑटोमेटिक ऐड करना है। ऑटोमेटिक करेंगे तो यहाँ पे कोई भी आप प्रोडक्ट टैग चूज़ करके जब प्रोडक्ट टैग रूम हो जाएगा, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली जब हम रूम उसमें ऐड करेंगे प्रोडक्ट के टैग में, तो ऑटोमेटिकली ये प्रोडक्ट
इस कैटेगरी में चला जाएगा, इस कलेक्शन में चला जाएगा। इसी तरह ही हमने एक दूसरी कलेक्शन फ़र्ज़ करो बनानी है जी, शॉप, किसी की दुकान है तो वो शॉप डेकोर के नाम से बनानी है, तो इसी तरह ही हम उसका टैग जो है यहाँ से शॉप कर देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट का उसी कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, तो दूसरा तरीका इसका ये होता है कि मैनुअल आप उसको ऐड कर लें प्रोडक्ट्स को। ठीक है, तो ये मैं मैनुअल चूज़ करता हूँ फ़र्ज़ करें, इस टाइम मुझे मैनुअल ज़्यादा बेहतर लगता है, मैं इसको मैनुअल चूज़ करता हूँ। मैनुअल पे करके आपने उस कैटेगरी का नाम लिख दिया, कलेक्शन का नाम लिख दिया, और इसको मैंने कर दिया सेव। तो ये हमारी ये कलेक्शन बन गई है ये वाली, ठीक है, रूम डेकोर के नाम से। अच्छा, अब हम यहाँ पे ये शो भी होगी रूम डेकोर, और इसके प्रोडक्ट अभी ज़ीरो हैं क्योंकि हमने प्रोडक्ट अभी कोई ऐड ही नहीं किया। अब हम चले जाते हैं जी अली एक्सप्रेस पे। अली एक्सप्रेस से हमने प्रोडक्ट उठाना है कोई, और वो हमने अपना इसमें ऐड करना है। तो इसमें मैं चला जाता हूँ जी, मैं लिखता हूँ रूम डेकोर, और यहाँ से मैं एक प्रोडक्ट कोई उठा के जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं इस कैटेगरी में डालता हूँ। ठीक है, अभी ये पाकिस्तानी रुपीज़ में हमें शो कर रहा है प्राइसेस, तो मैं इसको यहाँ से ऊपर क्लिक करूँगा और पाकिस्तान की जगह मैं इसको यूनाइटेड स्टेट कर देता हूँ। तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा जी यूएसडी में, सारे प्राइसेस यूएसडी में अपडेट हो जाएंगी। अच्छा जी, अब ये शो हो गई सारी प्रोडक्ट्स वो जो कि यूएस में शिप हो सकती हैं, और उसी हिसाब से उनकी प्राइसेस भी हमें शो हो गई हैं। ठीक है, इसमें फ़र्ज़ करें कोई मैं एक प्रोडक्ट चूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि फ़र्स्ट प्रोडक्ट है, मैं इसी को चूज़ कर लेता हूँ। ये वाला प्रोडक्ट फ़र्ज़ करें हमने अपने प्रोडक्ट स्टोर पर लगाना है। अच्छा जी, इसमें ये इसका नाम, ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया नाम, इसका नेम कॉपी करके हमने अपनी, ये ख़त्म कर देता हूँ, ये भी ख़त्म कर देता हूँ, इधर ले आता हूँ, अपनी प्रोडक्ट्स में जाना है हमने, यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे हमने उसका नाम कॉपी कर दिया। ठीक है, तो इसको आपने SEO के हिसाब से इन्होंने नाम रखा होता है, तो आपने इसको थोड़ा सा बेहतर करके लिख देना है, क्योंकि इतने लंबे नाम अच्छे नहीं लगते जब आप एक स्टोर बनाते हैं शॉपिफाई का। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ अ यूरोपियन स्टाइल मेटल कैंडल होल्डर। ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ सारा होल्डर के बाद वाला। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये वन पीस है। ठीक है जी, अच्छा, उसके बाद मैं ये सेम टू सेम जो नाम मैंने कॉपी किया था वो दोबारा मैं नीचे भी लिख देता हूँ, ताकि ये उसकी हेडिंग बन जाए। ये उसका नाम आ गया, उसके बाद मैं उसकी अब डिस्क्रिप्शन डालने लगा हूँ नीचे इसकी। यहाँ से देख लेते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन, तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, हमने ये भी देख लेना है, इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं लिखी जिसमें अली एक्सप्रेस का नाम आ रहा हो, यह पता चल रहा हो कि ये प्रोडक्ट अली एक्सप्रेस से उठाया है। ठीक है, तो ये ठीक है, इसमें मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, ये इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। अच्छा, अब इसके बाद मैंने इसकी पिक्चर्स ऐड करनी है, तो वो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैंने इसकी पिक्चर्स कॉपी करनी है, तो इसकी इसके लिए मैं एक्सटेंशन यूज़ करूँगा अली सेव एक्सटेंशन लिखूँगा मैं। ठीक है, अगर आपको ये नहीं याद रहता तो आप ये लिख दें कि अली एक्सप्रेस इमेज डाउनलोडर, तो ये आप लिखेंगे जब, तो आपके पास अली सेव की ये वाली क्रोम की एक्सटेंशन आ जाएगी। आप इस पर क्लिक करें और इसको ऐड टू क्रोम कर लें और ऐड एक्सटेंशन करें, तो ये आपकी एक्सटेंशन यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये वाली, ये आपकी एक्सटेंशन ऐड हो गई है। अब आपने क्या करना है, इस पेज को एक बार रिफ़्रेश करना है, तो आपको यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे ये इसकी पिक्चर्स डाउनलोड करने के। तो मैं ये यहाँ पे
क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली सारी पिक्चर्स इसकी जितनी भी यहाँ पे लगी हुई हैं वो सारी की सारी डाउनलोड कर देगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे क्लिक करूँगा तो उसी हिसाब से वो वाली सारी पिक्चर्स इसकी डाउनलोड कर देगा। ठीक है जी, अब हम देख लेते हैं जी डाउनलोड्स में हमारे पास ये इसकी सारी पिक्चर्स आ गई। तो अब हम इसको अपने स्टोर पे लगाते हैं, ऐड फाइल्स करके डाउनलोड्स में जाते हैं, यहाँ से हम इसको लार्ज आइकॉन कर लेते हैं। तो ये वाली फर्स्ट इमेज तो मैं ये वाली लगा लेता हूँ। ठीक है, इसी तरह की सेकेंड इमेज फर्ज़ करें मैं ये लगा लेता हूँ, थर्ड इमेज मैं यहाँ से ये लगा लेता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे ऐड हो गई। अब मैं इसकी प्राइस लिखना चाह रहा हूँ तो प्राइस मेरे पास यहाँ पे शो हो रही है जी, कितनी है इसकी प्राइस, ये आ रही है 3.43। ठीक है, अभी ऑफ चल रहा है, 79% ऑफ है, तो 3.43 प्राइस शो हो रही है इसकी और ये फ्री डिलीवरी है। तो जब भी कोई प्रोडक्ट आप सेल करते हैं तो हम उसकी तकरीबन 3 गुना प्राइस लगाते हैं। तो ये 3.43 है, सॉरी कैलकुलेटर खोल लेते हैं, 3.43 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई अगर हम 3 से करें तो वो तकरीबन 10.29 बनती है। लेकिन एक चीज़ आपने ये भी गौर करनी है कि अभी इसकी प्राइस पहले कितनी थी, वो 16.89 थी। ठीक है, तो हम इसकी प्राइस $10 बहुत कम है, हम इसको थोड़ा सा बढ़ा के लगाते हैं प्राइस को, हम इसको तकरीबन लगाएंगे 25.99 कर दें इसको, या 24.99 कर दें। ठीक है, तो हमने अपना मार्जिन काफ़ी सारा रखना होता है इसमें। अच्छा, उसके बाद चार्ज एट कंपेयर एट प्राइस, अगर आपने सेल लगानी है जी कि पहले इतने की थी, फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ जी कि 29.99 की थी पहले और अब हम इसको इतने पे बेच रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा सेल का ऑप्शन आ जाएगा कि हमारे प्रोडक्ट पे सेल लगी हुई है। अच्छा, उसके बाद जी स्टॉक कीपिंग यूनिट, ये आपने SKU रखने होते हैं। फ़र्ज़ करें कि मैं इस प्रोडक्ट का यहाँ से उठा लेता हूँ, ये एक आइटम नंबर जो है ना उसके आगे ये नंबर लिखा होता है, ये अली एक्सप्रेस का वो वाला नंबर है जहाँ से ये प्रोडक्ट मिल सकता है हमें दोबारा। अगर मैं इसको पेस्ट करके सर्च करूँगा तो सेम यही प्रोडक्ट मेरे पास खुल जाएगा। ठीक है, ये देखें, अगर मैं कल को खोलना चाहूँ, परसों को जब मुझे ऑर्डर आए तो मैं इसे ढूंढना चाहूँ, तो मैं ये वाला नंबर यहाँ से कॉपी करके सर्च करूँगा तो वही प्रोडक्ट मेरे पास खुल जाएगा। तो इसलिए मैं स्टॉक कीपिंग यूनिट अपना यही रखता हूँ ताकि मुझे कल को ढूंढना आसान हो कि मैंने प्रोडक्ट कहाँ से उठाया था। अच्छा, उसके बाद ये ट्रैक क्वांटिटी पे बिल्कुल आपने टिक रखना है कि क्वांटिटी पता चलती रहे अब कितनी रह गई है जब सेल हो। अच्छा, उसके बाद ये ऑप्शन है कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक, अगर स्टॉक ख़त्म हो गया, ज़ीरो हो गया, तब भी बेचते रहें आप चीज़, तो ये आप करना चाह रहे हैं तो इस पर टिक लगा दें, नहीं करना चाह रहे तो इस पर टिक हटा दें। उसके बाद ये लोकेशन हमारी जो भी थी, पाकिस्तान की लोकेशन है या जो भी है, उस पर ये कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ जी कि ये 15 आइटम पड़े हुए हैं हमारे पास, और यहाँ पे देखें तो इनके पास कितने आइटम्स पड़े हुए हैं, इनके पास अभी एक आइटम ही शो हो रहा है, हम इसको और ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, वो कह रहे हैं पीसीज एट मोस्ट पर कस्टमर, तो एक पीस जो है ना वो एक कस्टमर को ये देते हैं क्योंकि ये इस पर सेल लगी हुई है इस वजह से। अच्छा, अब हम कोई और प्रोडक्ट खोल के देखते हैं तो वहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा कि किसी सेलर के पास कितने आइटम्स पड़े हुए हैं। जैसे कि मैंने ये प्रोडक्ट खोला है तो इसका हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि 995 पीसीज अवेलेबल। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि हमारे सप्लायर के पास कितने आइटम्स पड़े हुए हैं, तो उसी हिसाब से हमने फिर इसको सेट करना होता है। तो हमारे सप्लायर के पास तो बहुत सारे आइटम पड़े हुए हैं, 1000 के करीब पड़े हुए हैं, तो हमने अपना क्वांटिटी रख ली, फ़र्ज़ करें 15 या 20 मैं कहता हूँ जी पड़े हुए हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद
अगर प्रोडक्ट का आप वेट ऐड करना चाह रहे हैं तो आप कर लें, नहीं करते तो कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ये कस्टम के हिसाब से इंफॉर्मेशन आप ऐड करना चाह रहे हैं तो कर दें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये एक ऑप्शन आता है, इसमें अगर आपके पास जिस तरह के इनके पास तीन कलर हैं, एक गोल्ड है, एक सिल्वर है और एक मैट ब्लैक है, अगर आप ये भी ऐड करना चाहें डिफरेंट इसके कलर्स या इसके कोई साइज़ वगैरह है कोई प्रोडक्ट का आपका, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मसलन यहाँ पे साइज़ की जगह पे मैं इसको कलर कर दूँगा और इसको मैं ऑप्शन दे देता हूँ कि ये जी एक हमारे पास सिल्वर है और एक हमारे पास गोल्डन कलर है, ठीक है, और एक हमारे पास मैट ब्लैक कलर है। तो ये हमारे पास फिर इसके वेरिएंट्स बन जाएंगे, वेरिएशंस क्रिएट हो जाएंगी, जैसे कि ये हो गई हैं। इनकी प्राइसेस भी हम डिफरेंट भी रख सकते हैं, सेम भी रख सकते हैं, इसी तरह इनकी क्वांटिटी भी हम लिख सकते हैं जी मेरे पास कितनी पड़ी हुई हैं। फर्स्ट के लिए मैं कहता हूँ यहाँ 10-10 ही पड़ी हुई हैं मेरे पास, ठीक है। तो ये अब सर्च इंजन में आपका प्रोडक्ट इस तरह नज़र आएगा, कुछ इस तरह सारा इसकी डिटेल्स वगैरह यहाँ पे ऐसे नज़र आएंगी, ठीक है, ये उसने दिखा दिया। अब आखिरी चीज़ हमने जो करनी है वो ये कि इस प्रोडक्ट को हमने साथ ही साथ उस कैटेगरी में डाल देना है, उस कलेक्शन में डाल देना है, जो कि हमने यहाँ से कलेक्शंस पे क्लिक करके रूम डेकोर पे क्लिक कर देना है। जो पहले मैंने आपको बताया था कि ऑटोमेटेड कलेक्शंस भी बन जाती हैं, तो वहाँ पे हमने टैग यहाँ पे डालना होता है। हम जस्ट रूम लिख के यहाँ पे ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये उस कैटेगरी में चला जाएगा, कलेक्शन जो रूम डेकोर की कलेक्शन में चला जाएगा। लेकिन अभी हमने हमारी ये कलेक्शन मैनुअल है, तो मैं इसको क्लिक करूँगा रूम डेकोर पे, तो तब ये रूम डेकोर में जाएगा, ठीक है। अच्छा, और इसमें हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें प्रोडक्ट कैटेगरी भी बता सकते हैं हम कौन सी है, प्रोडक्ट टाइप भी, ये सारे फिर ऑप्शंस बाद में कस्टमर को नज़र आ सकते हैं कि वो सर्च करने के लिए कि टाइप के हिसाब से सर्च करने हैं उसने प्रोडक्ट, इस तरह फिर उसको ढूंढने में आसानी होती है प्रोडक्ट्स। खैर, हमारा ये प्रोडक्ट फ़िलहाल कंप्लीट हो गया, हमने इसको सेव कर दिया और अब हम इसको देख सकते हैं प्रीव्यू के पे क्लिक करके। तो प्रीव्यू पे मैं क्लिक करता हूँ तो हमें ये प्रोडक्ट हमारा नज़र आ गया जी, ये हमने बनाया इस टाइम, ये उसका नाम आ गया, ये यहाँ पे सेल का ऑप्शन आ गया क्योंकि हमने कहा जी कि पहले 29 की थी और अब 24 का हो गया है। ये हमारे पास तीन इसके वो ऑप्शंस आ गए, ठीक है, इसके कलर्स के, ऐड टू कार्ट, बाय नाउ का बटन आ गया, ये पिक्चर जो मेन लगाई थी वो आ गई, ये हमने जो उसका प्रोडक्ट का नाम दोबारा पेस्ट किया था वो आ गया, और ये इसकी डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट की आ गई, ये एक्स्ट्रा तस्वीरें आ गई, ठीक है, इसी तरह ही। और ये कुछ चीज़ें इन्होंने एक्स्ट्रा दी हुई हैं कि हम ये ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको वैसे छोड़ रहा हूँ। इसी तरह ये अभी हमारा कंप्लीट नहीं है स्टोर, तो ये सारे ऑप्शन अभी वैसे के वैसे ही नज़र आ रहे हैं जैसे कि डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। तो ये हमने एक प्रोडक्ट ऐड कर लिया, अब हम चेक कर लेते हैं जी कलेक्शंस में, तो कलेक्शन में हमारा एक रूम डेकोर में एक प्रोडक्ट ऐड हो गया जी, ठीक हो गया। और इसी तरह ही हम प्रोडक्ट्स में जाते हैं तो हमारा प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट नज़र आने लग गया जिसमें कि 30 स्टॉक में हैं, क्योंकि तीन किस्म के थे तो 10-10 सारे थे तो टोटल 30 हो गए, तीन वेरियंट्स हैं। अच्छा जी, अब हमने एक प्रोडक्ट तो ऐड कर लिया, प्रोडक्ट हमें समझ आ गई किस तरह ऐड करते हैं, अब हमने क्या करना है, अब हमने स्टोर को एडिट करना है जो हमारा मेन पेज है। यहाँ पे जो इसका होम पेज होता है या फ्रंट पेज होता है ये वाला, इसको हमने एडिट करना है, ठीक है। ये देखें, ये कुछ इस तरह हमने इसको बनाया था थोड़ा सा, तो अब हम दोबारा इसको एडिट करते हैं। कस्टमाइज पे जाके क्लिक करना है तो ये हमारे पास इसको कस्टमाइज करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन स्टोर पे जाके, थीम्स में जाके और कस्टमाइज पे राइट क्लिक करके मैंने न्यू टैब में खोल लिया है। अब हमने इसमें क्या क्या चीज़ ऐड करनी है, एक तो इसका फर्स्ट नंबर पे सबसे ऊपर एक अनाउंसमेंट बार होती है, उसमें हमने कुछ लिखना होता है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ जी वेलकम टू आवर स्टोर, या मैं लिख देता हूँ जी के वेलकम टू शॉप मॉडर्न, ठीक है, हम ऐसे भी ग्रीट कर सकते हैं लोगों को, या हम लिख सकते हैं जी के
फ्री शिपिंग वर्ल्ड वाइड, नो मिनिमम। ठीक है, तो हमने एक ये भी ऑप्शन लिख दिया जी कि फ्री शिपिंग है जी वर्ल्ड वाइड, और कोई इसमें प्राइस का कोई इशू नहीं है कि कितनी प्राइस हो तो फ्री शिपिंग होगी। इसी तरह जो भी आपका अपना स्टोर का आप रखना चाह रहे हो वो आप यहाँ पे कोई स्लोगन लिखना है या कोई आपने सेल का बताना है कि जी सेल लगी हुई है, इतने परसेंट ऑफ लगी हुई है, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ हमारे पास आ गई जी इसकी, ये स्टोर का नाम। अब यहाँ पे हमारा स्टोर का नाम की बजाय हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारी इसकी लोगो आना चाहिए, तो यहाँ पे हम इसका लोगो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्लिक करके, और इसका हमने लोगो बनाया था, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ लोगो बनाने का तरीका क्या है। शॉपिफाई का अपना भी एक लोगो मेकर होता है, तो वो हम सर्च कर लेते हैं शॉपिफाई लोगो मेकर। ठीक है, ये फ्री लोगो मेकर है, इस पर क्लिक करते हैं, गेट स्टार्टेड, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके हम इसको बताते हैं जी कि होम एंड गार्डन फर्ज करें हमारी कैटेगरी है, नेक्स्ट कर लेते हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि किस तरह का प्रोडक्ट हो, मैं कहता हूँ क्रिएटिव करके वो जो लोगो वो इस तरह का बने। बिजनेस नेम क्या है जी, शॉप मॉडर्न 2023 है फर्ज करें, स्लोगन हमारा फ़िलहाल कोई नहीं है। ऑनलाइन स्टोर के लिए चाहिए मुझे, और इसने ये यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे दिए हैं, वो कह रहा है कि इसमें से आप चूज़ कर सकते हैं, तो फर्ज करें मैं ये वाला चूज़ कर लेता हूँ जी, शॉप मॉडर्न 2023, इसको करके चूज़ करके इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ और इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। जब मैं डाउनलोड करूँगा तो ये मुझे ईमेल आ जाएगी, वहाँ से ये सारी तस्वीरें हमारे पास डाउनलोड होकर आ जाएंगी, और इसको हम कर लेंगे इंपोर्ट। ठीक है, यहाँ से मैं ईमेल एड्रेस दूंगा, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप यहाँ से साइन अप करके बना लें, अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो वो आपको ईमेल आ जाएगी। ठीक है, ईमेल करके और उसको मैंने यहाँ पे अपलोड कर लिया था शॉप मॉडर्न के नाम से। ठीक है, ये शॉप मॉडर्न, ये मैंने इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर लगा लिया जी, ये हमारा लोगो लग गया है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ से कुछ कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस हैं, जिसमें कस्टम लोगो की विड्थ है वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं कि लोगो कितना बड़ा नज़र आए। मैं कहता हूँ जी कि ये फुल बड़ा नज़र आए। लोगो की पोजीशन कहाँ पे हो, मिडल लेफ्ट पे हो, मिडल टॉप सेंटर हो, टॉप लेफ्ट हो, मिडल सेंटर हो, जो भी इसकी लोकेशन आप रखना चाह रहे हैं। फर्ज करें मैं कहता हूँ जी टॉप मिडल लेफ्ट, टॉप लेफ्ट रखता हूँ जी मैं इसको। ठीक है, अच्छा, अभी डेस्कटॉप मेन्यूज़ किस तरह हो, तो आप इसको मेगा मेन्यू भी कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको मेन्यूज़ नज़र आए वो ये पूछ रहा है, जैसे कि ये मेन्यूज़ हैं। ठीक है जी, यहाँ से ये सारी सेटिंग्स हमने इसकी कर ली हैं। ओके, अब हम इसको कर लेते हैं जी सेव। ठीक है, अब हमारी सेटिंग्स यहाँ तक तो हो गई हैं सेव। अब हमने नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे जो इमेज बैनर है तीसरे नंबर पे, ये देखें लेफ़्ट साइड पर अगर आप देखेंगे तो हेडर इमेज बैनर, ठीक है, सबसे ऊपर अनाउंसमेंट बार थी, फिर हेडर था, इमेज बैनर, इसको हमने एडिट करना है। अब इमेज बैनर पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे इमेज बैनर पे क्लिक करके मैं कह देता हूँ जी कि वेलकम टू शॉप मॉडर्न। ठीक है, इसी तरह ही जो नीचे इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, गिव कस्टमर डिटेल्स अबाउट योर अबाउट द बैनर इमेज, तो मैं इसको कह देता हूँ जी कि वी प्रोवाइड बेस्ट क्वालिटी रोम डेकोर प्रोडक्ट्स। ठीक है, ऐसे करके मैं कुछ लिख देता हूँ, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। इसी तरह ही बटन्स पे क्लिक करके मैं इसको कह देता हूँ जी के शॉप नाउ। ठीक
ठीक है, दूसरे वाले बटन को मैं डिलीट कर देता हूँ, एक ही बटन यहाँ पे रहे, और इसका मैं लिंक लगा देता हूँ, फ़र्ज़ करें जी हमारा प्रोडक्ट जो है ऑल प्रोडक्ट्स पे, कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे कस्टमर को नज़र आ जाएं जब इस पे क्लिक हो। इसको मैं कर लेता हूँ सेव। ओके जी, अब हमारा रह गया सिर्फ जिसकी तस्वीर लगानी। तो हम पिक्चर डाउनलोड करने के लिए फ्री इमेजेस यूज़ करेंगे जिनका कोई लाइसेंस वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। उसका तरीका ये है कि आपने गूगल में जाके लिखना है फ्री इमेजेस और सर्च कर देना है। इसमें सबसे अच्छी वेबसाइट जो हैं वो ये हैं, पिक्सल है आपके पास, ठीक है, पिक्साबे है और फ्री पिक है, मोस्टली मैं ये यूज़ करता हूँ तीनों। इनमें आप सर्च अपनी जो भी टर्म है वो कर सकते हैं, जिस तरह की मेरी है होम डेकोर की टर्म, ठीक है, मैं सर्च कर लेता हूँ। इसी तरह ही मैं सब में सर्च कर लेता हूँ होम डेकोर। ये वेरिफिकेशन मांग रहा है, इसको फ़िलहाल मैं बंद कर रहा हूँ। ये जो खुल गई हैं, ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं जी कि होम डेकोर के लिए हमें सबसे अच्छी इमेज कौन सी है हमारे हिसाब से। तो फ़र्ज़ करें कि मैं ये फर्स्ट वाली इमेज जो है वो यू चूज़ कर लेता हूँ इसकी फ्री पिक की। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई हमारे पास। तो इसको हम जब डाउनलोड हो जाती है तो इसको हम अपलोड कर लेंगे यहाँ से जाके, जो हमारी डाउनलोड हुई है उस पर क्लिक करके। हमने जो भी तस्वीर डाउनलोड करनी है उसका साइज़ वर्टिकल नहीं होना चाहिए, हॉरिजेंटल होना चाहिए या स्केयर होना चाहिए, ठीक है। जिस तरह ये स्केयर है, वर्टिकल तस्वीर यहाँ पे नहीं लगेगी। इसी तरह इसमें जो वर्टिकल हैं वो हमारे काम की नहीं है। तो यहाँ से हम इसको फ़िल्टर करके भी यहाँ से ओरिएंटेशन दे सकते हैं कि हॉरिजेंटल या स्क्वायर, तो वो पिक्चर उसी हिसाब से आएंगी। तो हॉरिजेंटल बेस्ट रहेगी हमारे इस डिज़ाइन के ऊपर, क्योंकि हमें हॉरिजेंटल तस्वीर ही चाहिए जो यहाँ पे अटैच हो। चलें जी, अब हमने इसको पिक्चर को हमने यहाँ पे लगा लिया है। अब हमने सेलेक्ट पे क्लिक लाजमी करना है ताकि ये पिक्चर यहाँ पे नज़र आने लग जाए। अच्छा, उसके बाद अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक वाइट कलर का बॉर्डर शो हो रहा है, तो इसको हमने रिमूव करना है, ठीक है। तो इसको रिमूव करने का तरीका ये है कि आप इमेज बैनर पे जाएंगे और नीचे जाएंगे और यहाँ पे लिखा है शो कंटेनर ऑन डेस्कटॉप, ये आपने ख़त्म कर देना है। जब ये ख़त्म करेंगे तो ये आपके पास पिक्चर जो है उसके ऊपर डायरेक्ट लिखा हुआ टेक्स्ट आ जाएगा, यहाँ से आप इसको ख़त्म कर सकते हैं बैनर को। तो पिक्चर आपने ऐसी चूज़ करनी है जिस पे ये वाइट कलर शो भी हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि इसमें अभी फ़िलहाल इतना नज़र नहीं आ रहा। तो मैं पिक्चर वो चूज़ करूँगा जो कि थोड़ी सी इस तरह का कलर्स हों ताकि इस पर वाइट कलर अच्छा लगे, ठीक है। या फिर ये वाले जो टेक्स्ट है इसका पूरे का पूरा बेसिकली हेडिंग्स जो होती हैं इनका कलर चेंज करना पड़ता है, तो वो सारे का सारा जितनी भी हेडिंग्स होंगी सबका चेंज होगा। अब आ जाते हैं जी दूसरे चीज़ पे, ये जो टॉक अबाउट ब्रांड है, तो यहाँ पे ये तीसरे नंबर पे आ गया रिच टेक्स्ट के नाम से, ठीक है। इसमें टॉक अबाउट ब्रांड, टॉक अबाउट ब्रांड के ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हैं जी, कि फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर कर देता हूँ के हु वी आर, ठीक है, हम कौन हैं, और उसके बारे में यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन अपनी दे दूँगा जी कि हम 2000 में हम क्रिएट हुए, अपने कंपनी बनाई, हम ये कर रहे हैं, हम ये जो भी आप अपने ब्रांड के बारे में एक्स वाई जी जो भी आप लिखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ फिर आप कोई भी और ऑप्शन दे सकते हैं जी कि हमारी पॉलिसीज अपडेट हो गई हैं, हमारी प्राइसेस अपडेट हुई हैं, या हम कोई फ्री शिपिंग दे रहे हैं, या हम कोई भी ऑफ़र दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आप ये बटन लेबल यहाँ से रिमूव भी करना चाहें तो वो भी हो जाएगा, ठीक है, डिलीट करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा, अगर आप ऐड करना चाहेंगे तो वो ऐड भी हो जाएगा। उसके बाद
अगला आपके पास ऑप्शन आ गया जी यहाँ पे जी फीचर्ड कलेक्शन का। फीचर्ड कलेक्शन में फ़िलहाल एक ही प्रोडक्ट है हमारा, वही शो हो रहा है। जब ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगे तो वो ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपके यहाँ पे ये शो हो जाएंगे, ठीक है। इसको हमने हॉट प्रोडक्ट्स के नाम से कलेक्शन को बना दिया, इसका जो कलेक्शन का नाम दे दिया है। इसके बाद नेक्स्ट कोलाज है, कोलाज को मैंने नाम दे दिया जी लास्ट चांस टू बाई, ठीक है। इसमें हम इसी तरह ही एक कलेक्शन ऐड कर लेते हैं, फर्ज करें क्योंकि हमारे कलेक्शन अभी फ़िलहाल रूम डेकोर ही है, हमने जो बनाई है वही ऐड कर लेते हैं। तो वो उसका प्रोडक्ट जो भी लास्ट सबसे लास्ट में जो प्रोडक्ट ऐड हुआ होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जो प्रोडक्ट, यहाँ पे एक प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पे हम प्रोडक्ट कोई भी जो हम ऐड करना चाह रहे हैं वो हम दिखाना चाह रहे हैं वो यहाँ पे, क्योंकि हमारा सिर्फ प्रोडक्ट ही एक है तो हम यही ऐड कर लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे कलेक्शन ऐड हो सकती है, तो जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई कलेक्शन हमारे पास और होगी वो भी यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास एक ही है तो हम यहाँ पे वो ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो इनकी लुक बन गई है कुछ इस तरह। अब नेक्स्ट में ये तीन कॉलम्स आपके पास होते हैं, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन इन्होंने दिया है मल्टी कॉलम का। मल्टी कॉलम का आप नाम भी चेंज कर सकते हैं, हेडिंग दे सकते हैं, फ़र्ज करें बेस्ट डील्स के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट ऐड करके यहाँ से, फर्ज करें मैं ये पिक्चर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, कोई भी, लेकिन आपने सही वाली करनी है कोई पिक्चर जो प्रोडक्ट के हिसाब से हो, उस प्रोडक्ट का नाम आ गया, ठीक है। प्रोडक्ट नेम आ गया, ठीक है। इसी तरह उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। इसी तरह आपने तीनों में इसी तरह ऐड कर देने हैं, उस प्रोडक्ट का नाम, या आपने ऐसा करना है कोई भी एक प्रोडक्ट लेना है और उसकी क्वालिटीज़ जो हैं वो यहाँ पे बयान कर देनी है एक पिक्चर्स के साथ। एक फर्स्ट पिक्चर आ गई, सेकंड आ गई और थर्ड आ गई, इस तरह उसकी क्वालिटीज़ आ जाएंगी। अच्छा, ये तो हमारा सारा जो पेज है वो बन गया, इसको हम कर लेते हैं सेव। सेव करने के बाद हम चले जाते हैं अपने ऑनलाइन स्टोर पे और इसको क्लिक करके हम देखते हैं कि अभी हमारे स्टोर की लुक कैसी बनी है। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये हमारी इस तरह की कुछ लुक आपको नज़र आ रही है इस टाइम के ऊपर। ये जो हमने ऐड किया था फ्री शिपिंग वर्ल्ड वाइड का नज़र आ गया, शॉप मॉडर्न लोगो नज़र आ गया, नीचे इसकी मेन्यूज़ नज़र आ गई, ठीक है, और ये पिक्चर आ गई, और नीचे हुई आर आ गया, हॉट प्रोडक्ट आ गया, और ये लास्ट चांस टू बाई इसी तरह ही सेम, और ये डील्स हमें नज़र आ गई। नीचे अभी हमारा सिर्फ ये वाला सेक्शन रह गया जो कि फुटर मेन्यू कहलाता है। अब हम फुटर पे काम कर लेते हैं थोड़ा सा, लास्ट पे जाके फुटर सेलेक्ट करता हूँ मैं। अच्छा, फुटर में हमने क्या क्या चीज़ है, एक तो क्विक लिंक्स हैं, क्विक लिंक्स में हम इसको जो फुटर मेन्यू बनी हुई है उसमें जो भी चीज़ें ऐड करेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएंगी। इस टाइम फुटर मेन्यू में सिर्फ एक ऐड है, सर्च की जो मेन्यू है ना वो ऐड है। इसी तरह इन्फो जो है उसमें भी सर्च की मेन्यू ऐड है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं रिमूव कर देता हूँ इसको इन्फो को, फ़र्ज करें, और मैं इसमें एक नया टैब ऐड कर लेता हूँ, या ब्लॉग जिसको कहते हैं, क्विक ब्लॉग, ठीक है। मैं इसमें टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी एक हेडिंग नई ऐड हो गई। तो यहाँ पे हम कुछ अपने स्टोर के बारे में लिख सकते हैं, या फर्ज कर लेते हैं कि मैं लिखता जी कॉन्टैक्ट, बस। तो यहाँ पे हमारा जी आ गया, फ़ोन नंबर आ गया, ठीक है। इसी तरह ईमेल आ गई, इसी तरह हमारा एड्रेस आ गया। तो ये कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन बन जाएगा। ये यहाँ पे हमारा मिशन आ गया जी, कोई भी आपने मिशन, जो भी आपकी मिशन स्टेटमेंट है वो आपने यहाँ लगा देनी है। इसी तरह क्विक लिंक्स में मैं आपको बता देता हूँ कैसे इसमें मेन्यूज़ ऐड करनी है। वो हम जाते हैं अभी शॉप
मॉडर्न जो हमारा मेन इसका एडमिन पैनल है शॉपिफाई का, उस पर चले जाते हैं। ऑनलाइन स्टोर पे जाके और नेविगेशन पे आपने क्लिक करना है। नेविगेशन पे क्लिक करने के बाद आपके पास दो मेन्यूज़ शो हो रही हैं, एक मेन मेन्यू एक फुटर मेन्यू। मेन मेन्यू में तीन चीज़ें हैं, होम, कैटलॉग और कॉन्टैक्ट, और फुटर मेन्यू में सिर्फ सर्च है। तो मैं फुटर मेन्यू को खोल लेता हूँ पहले। फुटर मेन्यू को हम एडिट कर लेते हैं। फुटर मेन्यू से मैं इसकी सर्च की ऑप्शन रिमूव कर देता हूँ, एक नई मेन्यू ऐड करता हूँ जहाँ जिसको मैं लिंक कर देता हूँ। किस चीज़ के साथ करता हूँ? इसकी पॉलिसीज़ के साथ करता हूँ, जो कि अभी मैंने ऐड नहीं की। ठीक है, वो हम किस तरह ऐड करेंगे? वो हम इस तरह करेंगे कि सेटिंग्स में जाएंगे, इसको मैं पेज को लीव करता हूँ, सेटिंग्स में जाके और सबसे नीचे जाएंगे पॉलिसीज़ पे। ठीक है, ये हमारे पास पॉलिसीज़ आ गई, रिफंड पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस, शिपिंग पॉलिसी, तो ये ज़रूरी होती हैं ऐड करनी। तो इसमें एक आपको इन्होंने ऑप्शन दिया है कि आप क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट कर सकते हैं, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये सारी उसने पॉलिसी ऑटोमेटिकली शॉपिफाई ने ऐड कर दी है, जिसमें अभी आपने कुछ चीज़ें एडिट करनी है। जिस तरह के अगर आप इसको पढ़ें तो यहाँ पे इंसर्ट रिटर्न एड्रेस लिखा हुआ है, तो आप कोई भी चीज़ कस्टमर रिटर्न करेगा तो उसको रिटर्न एड्रेस चाहिए, तो वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे इसका। ठीक है, मैं इसको रिमूव करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ जी आपने रिटर्न करना है जी हाउस नंबर 400 पाकिस्तान, इस तरह जो भी एड्रेस है आपका वहाँ पे आपने कर देना है। यूएस का है तो यूएस का एड्रेस आपने लिख देना है। ठीक है, इसी तरह आपने इसको सारा पढ़ लेना है और उसमें जो भी एडिट करने वाली चीज़ हो वो एडिट कर लेनी है। इसी तरह ही प्राइवेसी पॉलिसी, उसको भी क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट करके आप इसमें, और फिर बाद में चीज़ें आपने जो भी ऐड करनी है वो सारी आपने चेक करके सारी ऐड करनी है। जिस तरह के अभी इसमें शॉप मॉडर्न 2022023 और डॉट माई शॉपिफाई लिखा आ रहा है, तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसके साथ माई शॉपिफाई लिखा है, क्योंकि मेरी डोमेन जब मैं परचेज़ कर लूँगा तो वो शॉप मॉडर्न 2023.com होगी। इसी तरह ही जितनी भी इसमें आपने इसको तसल्ली से सारा पढ़ना है और जो भी चीज़ें ऐड करने वाली हैं, जिस तरह ये एज लिखा हुआ है, इंसर्ट एज, ठीक है, इंसर्ट फॉलोइंग सेक्शन जो रिक्वायर्ड, ये सारी आपने पढ़ के इसको एडिट करना होता है पॉलिसीज़ को। इसी तरह टर्म्स ऑफ सर्विस को भी आप टेम्पलेट से कर सकते हैं। शिपिंग पॉलिसी आप नहीं कर सकते, शिपिंग पॉलिसी आपको बनानी पड़ती है, लिखनी पड़ती है, वो आप किसी भी वेबसाइट से ले सकते हैं। जिस तरह के आप पिकटुक पे चले जाएं, वहाँ से भी आपको इनकी शिपिंग पॉलिसी मिल जाएगी। ठीक है, ये शिपिंग पॉलिसी पे चले जाते हैं हम, तो ये हमारी शिपिंग पॉलिसी यहाँ पे पिकटुक की नज़र आ गई। इसी तरह आप अपनी वेबसाइट के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं, जितना भी आप शिपिंग टाइम दे रहे हैं वो आप एडिट कर लें, और जो भी ये चीज़ें लिखी हुई हैं इनमें आप अपने हिसाब से चीज़ें ऐड करना चाह रहे हैं तो वो कर लें। ठीक है, तो ये हमारी सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, तो वो खुद ब खुद आ गई है ये इसी तरह ही। तो ये हमने इसको कर लिया सेव, जब हमने सारा इसको एडिट कर लिया। अब हम दोबारा चले गए नेविगेशन पे, नेविगेशन पे चले जाते हैं हम और उसमें चले जाते हैं फुटर मेन्यू में। ठीक है जी, ये फुटर मेन्यू, फुटर मेन्यू में दोबारा हम इसको रिमूव कर देते हैं सर्च को, क्योंकि हमने सेव नहीं किया था। अब हम दोबारा ऐड मेन्यू आइटम करते हैं। यहाँ से मैं पॉलिसीज़ पे चला जाता हूँ, लिंक पे क्लिक करके, तो सबसे पहले हमारी आ जाएगी शिपिंग पॉलिसी जो हमने ऐड नहीं की अभी। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमारी आ जाएगी रिफ़ंड पॉलिसी, नेम उसका रिफ़ंड पॉलिसी हो, ऐड कर देना है। ठीक है, इसी तरह दोबारा मेन्यू ऐड करनी है, फिर हम पॉलिसीज़ पे जाएंगे, उसके बाद अगली चीज़ आ जाएगी हमारी रिफ़ंड पॉलिसी के बाद प्राइवेसी पॉलिसी, ऐड कर देंगे। इसी तरह फिर नेक्स्ट चीज़ हमारी आ जाएगी टर्म्स ऑफ सर्विस, और इसको ऐड कर देंगे और इसको कर देंगे हमने सेव। ठीक है, तो फुटर मेन्यू जब हमने अपडेट किया यहाँ से, तो हमारी वेबसाइट पे भी ये क्विक लिंक्स में एडिट
ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। ये वो बन गई रिफंड पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस, इसी तरह ही शो हो गई। और इन्फो के नीचे भी वही शो हो गई क्योंकि हमने इसको अभी एडिट नहीं किया, सेव नहीं किया इस वजह से। तो अभी हमने इसको कर लेते हैं सेव। जब हम सेव करेंगे तो ये हमारी, जैसे मैंने इसको सेव पहले चेंजिंग्स की थी वो हमें शो हो जाएंगी। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये शो हो गई आवर मिशन, मिशन में ये आ गया और कॉन्टैक्टस में ये चीज़ें आ गई हमारी, ठीक है। तो ये तो हो गया जी हमारा फ्रंट पेज। फ्रंट पेज को हमने टोटली एडिट कर लिया। इसमें हमारी सिर्फ एक चीज़ रह गई है जो कि हमारी ये हेडर की जो ऊपर मेन्यूज़ है, मेन मेन्यू वो रह गई है, उसको भी एडिट कर लेते हैं। फुटर मेन्यू को बैक करके हम मेन मेन्यू पे चले जाते हैं। ये मेन मेन्यू है, ठीक है। मेन मेन्यू पे क्लिक करते हैं और इसमें मैं कैटलॉग ऑप्शन डिलीट कर देता हूँ क्योंकि कैटलॉग में सारे प्रोडक्ट्स शो हो जाते हैं, मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि कैटेगरीज बन जाए, ठीक है। कैटेगरीज बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, हमारी कैटेगरीज पहले ही बनी हुई हैं तो हम वहीं से उठा लेते हैं इसको, कलेक्शन से ही। तो लिंक पे क्लिक करूँगा और कलेक्शन में जाऊँगा। कलेक्शन में रूम डेकोर की कलेक्शन है तो नेम भी उसका रूम डेकोर ही ठीक है, तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं होम के बाद लेके आना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं इसे पकड़ के उठा के ऊपर ले जाऊँगा। तो ये मेरी बन गई होम, उसके बाद रूम डेकोर और कॉन्टैक्ट, ठीक है। इसको हमने कर लिया सेव। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, वैसे ये थोड़ी देर बाद शो होता है। अभी आपको ये नज़र आ गया है होम, रूम डेकोर और कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट को मैं कॉन्टैक्ट अस भी कर सकता हूँ, ठीक है। मेन मेन्यू में जाके इसको मैं एडिट कर लेता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। सेव कर देता हूँ। तो ये हमारी इस टाइम इसकी फ्रंट लुक आ गई है। ये इसका हमने ओपन कर लिया, ये हमारा प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। तो ये टोटल हमने स्टोर को एडिट कर लिया है। इसका जो होम पेज है, फ्रंट पेज, इसका हमने जो है वो एडिट कर लिया इस तरीके से। अच्छा जी, अब हमने हमारा जो फ्रंट पेज था, होम पेज, वो हमने एडिट कर लिया है सारा। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमने जो प्रोडक्ट्स हमारे हैं जो हमने ऐड किया है प्रोडक्ट, ये वाला फर्ज करें, तो इसके ऊपर जितनी भी इसके अंदर और चीज़ें ऐड करने वाली है उसको हम एडिट करेंगे। जैसे कि ये अभी कुछ भी नहीं इसमें लिखा हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं ऐड किया हुआ, उसके बाद ये चीज़ें जो हैं वो एडिट नहीं की हुई, तो वो हम ऐड करेंगे। उसका तरीका ये है कि सेम आपने वैसे ही ऑनलाइन स्टोर पर जाके और फिर हमने इसको कस्टमाइज़ करना है, यहाँ से डान थीम को कस्टमाइज़ करेंगे। कस्टमाइज़ करेंगे तो ये हमारे पास सामने ऑप्शन खुल जाएगा, ये वाला एडिट करने वाला। तो यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ ऊपर होम पेज लिखा है जहाँ पे, तो हमने इसको प्रोडक्ट पे चले जाना है, ठीक है। प्रोडक्ट पे जाएंगे तो इसका जो डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट है उसको हम एडिट करेंगे, तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे उसी हिसाब से एडिट हो जाएंगे। जो भी हम चेंजिंग इसमें अब करेंगे वो सारे की सारी, सारे जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे हमारे स्टोर पे, सब पे अप्लाई हो जाएंगी। अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये सेम वही है, अनाउंसमेंट बार अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, हेडर पे यहाँ जो चीज़ चेंज करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। इसी तरह ही तीसरे नंबर पे ये एक छोटा सा लिखा आ रहा है होम मॉडर्न 2.0, तो ये वेंडर होता है। अगर आप वेंडर हटाना चाहते हैं तो आप इसको वेंडर को भी हटा सकते हैं यहाँ से, ठीक है, कि ये वाला वेंडर आपको नज़र ना आए, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, तो ये वेंडर यहाँ से रिमूव हो जाएगा ऊपर से हमारा, ठीक है। उसके बाद ये प्रोडक्ट का नेम आ गया, ठीक है, ये वाला टेक्स्ट है ये, यहाँ से अगर आप इसको नहीं देखना चाह रहे तो इसको भी आप यहाँ से भी हटा सकते हैं। उसके बाद आपका टाइटल आ गया, टाइटल ठीक है, टाइटल को तो हमने चेंज नहीं करना। प्राइस भी ठीक है, ये चीज़ें भी ठीक है, इसमें आप कोई कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते, ठीक है। ये देखें हम खोल के इसको, हाँ यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं जो आपका वेरिएंट है। तो ये पिल्स की सूरत में जिस तरह गोलियाँ होती हैं उस हिसाब, उस तरह नज़र आ रहा है, तो आप इसको ड्रॉप डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे आपको शो होगा फिर, लेकिन ये पिल्स ज़्यादा अच्छा लगता है,
तो इसको पील जी रहने देते हैं। इसी तरह ये क्वांटिटी सिलेक्टर आ गया, क्वांटिटी सिलेक्टर को भी कोई एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐड टू कार्ट वाला बटन आ गया तो वो शो डायनेमिक बाय नाउ वाला ऑप्शन आ गया, ठीक है। उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन आपकी आ गई, तो डिस्क्रिप्शन में भी आप ये सारे ऑप्शन चेक कर सकते हैं, उसमें जो भी आप एडिट करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन मैं इस टाइम चला जाता हूँ ये मटेरियल वगैरह पे, ठीक है, जो हमारे अभी कुछ भी नहीं जिसमें ऐड। मटेरियल में इस प्रोडक्ट के मटेरियल के बारे में अगर आप बताना चाहते हैं तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। जिस तरह के हम अगर पाकिस्तान से लेदर के प्रोडक्ट्स पे लोग बड़ा काम करते हैं, तो प्रोडक्ट्स अगर लेदर के हैं तो वो इस तरह हम मटेरियल बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट लेदर का है। या फ़र्ज़ करें हम काम कर रहे हैं जी के वॉलेट्स पे, तो वॉलेट्स जो हैं वो लेदर के वॉलेट्स हैं या प्लास्टिक के हैं या जो भी उसकी मटेरियल है वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जो भी है, ठीक है। लेकिन इस जो मैं एक जनरल स्टोर बना रहा हूँ, जो मैं होम डेकोर के बारे में एक स्टोर बना रहा हूँ, तो उसमें मुझे मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, तो वो मैं यहाँ से हटा भी सकता हूँ, ठीक है। या फिर इसको मैं कोई और नाम दे देता हूँ, मटेरियल की जगह पे कुछ और भी लिख के मैं इसको एक मेन्यू बना सकता हूँ इसका, यहाँ पे ड्रॉप डाउन। खैर मैं इसको हटा देता हूँ, फ़िलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद शिपिंग एंड रिटर्न्स, शिपिंग एंड रिटर्न अगर आप यहाँ पे दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिखते हैं जी के शिपिंग कितने दिन में होगी जी। यहीं पे आप लोगों को दिखा दें, जो भी प्रोडक्ट देखे यहाँ यहीं पे नज़र आ जाए कि यूएसए के लिए 5 to 9 days जो है वो डिलीवरी टाइम है, ठीक है। और इसी तरह ही यूके के लिए आप कह दें जी कि ये आपका 10 to 15 days डिलीवरी टाइम है। ठीक है, मैं इस तरह कर देता हूँ इसको डिलीवरी टाइम, इसी तरह यूके का भी डिलीवरी टाइम इतना है, ठीक है। और उसके बाद मैं कह देता हूँ जी के 30 days रिटर्न पॉलिसी है जी। एक तो ऑप्शन ये है कि यहाँ पे जैसे ये मैंने ऐड कर दिया, ये आपको इस तरह शो हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि मैं एक पेज को सिलेक्ट पेज करके वहीं से मैं उसको उठा लूँ। ये एक मैं पेज बना लेता हूँ, न्यू पेज क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ से, क्रिएट पेज करके यहाँ, या फिर ये जो आपका ऑनलाइन स्टोर है वहाँ से पेजेस में जाके एक यहाँ से हम न्यू पेज क्रिएट करके ऐड पेज करके वहाँ पे हम इसको एक पूरी पॉलिसी बना लेते हैं कि ये हमारी इसमें शिपिंग पॉलिसी और रिटर्न पॉलिसी का एक पेज बना के वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वो जैसे आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गई डायमेंशंस। डायमेंशंस की भी ज़रूरत नहीं है हमें, तो मैं क्या करूँगा डायमेंशंस को भी हटा दूँगा। केयर इंस्ट्रक्शंस अगर इसको टूटने वाली है तो लिख दें जी के हैंडल विद केयर, या कोई प्रोडक्ट इस तरह का कपड़े का प्रोडक्ट है आप बता दें जी के आपने इसको सिर्फ ड्राई क्लीन करना है, आप इसको वॉश नहीं कर सकते, सिर्फ ड्राई क्लीन करें, ठीक है। हैंड वॉश कर सकते हैं सिर्फ, तो वो आप केयर इंस्ट्रक्शंस वगैरह यहाँ पे आप उसकी डाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ही शेयर का बटन है, तो शेयर आप इसको किस जगह पे करना चाह रहे हैं, शेयर किस किस के साथ करना चाह रहे हैं उसी हिसाब से ये, या कुछ और लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे तो आप कर सकते हैं। नया ब्लॉग भी आप ऐड कर सकते हैं, वो आप कोई भी चीज़ इसमें और अपने तौर पे ऐड करना चाह रहे हैं, कोई प्रोग्रामिंग की चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। उसके बाद जो सारे प्रोडक्ट्स पे आपका एक नज़र आ रहा है, आपको ये इमेज विद टेक्स्ट नज़र आ रहा है, इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कोई सेल आपकी कैटेगरी के हवाले से लगी हुई है, कोई प्रोडक्ट के हवाले से लगी है वो आप बता सकते हैं, ओवरऑल पूरे प्रोडक्ट पूरे स्टोर पे कोई सेल लगी है या कुछ भी आप इसमें ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पे आप सारा इमेज विद टेक्स्ट यहाँ पे उसका हेडिंग वगैरह दे के और उसकी तस्वीर वगैरह एडिट करके यहाँ पे आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। जिस तरह फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ जी कि 30% हमारे सेल लगी हुई है, तो मैं क्या करता हूँ फ्री इमेजेस से ही मैं एक पिक्चर ढूंढ लेता हूँ, फ्री पिक्चर ढूंढ लेते हैं, ठीक है। मैं इसको सेल लिख देता हूँ, तो मेरे पास सेल के हिसाब से जितनी भी पिक्चर्स हैं वो आ जाएंगी,
ठीक है, मैं ये ऐड कर लेता हूँ, पिक्चर वाला स्क्रीन डाउनलोड कर लेता हूँ। अच्छा, अगर ये फ्री पिक वाले अगर आपसे कहें कि लॉगिन आपको करना पड़ेगा, तो आप इसको साइन अप करके फिर भी डाउनलोड कर सकते हैं पिक्चर्स, अगर आपको ये डाउनलोड नहीं करने देते तो। ठीक है, साइन अप करके यहाँ से, और आप इसको इस पे अकाउंट बना के गूगल के साथ या किसी ईमेल के साथ, तो फिर आप उसको लॉगिन करेंगे तो आपको पिक्चर्स ये डाउनलोड करने देंगे, अगर आपको ये इशू आ रहा है तो। अच्छा, ये तस्वीर हो गई होगी डाउनलोड, इसको मैं इमेज ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे अपलोड करके। अच्छा, इसका साइज़ वो कह रहे हैं जी बहुत बड़ा है, जो आपने इमेज अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं वो साइज़ बहुत बड़ा है, तो मैं क्या करता हूँ, रिड्यूस इमेज साइज़, मैं गूगल पे सर्च करता हूँ और यहाँ से जो पहली वेबसाइट ही है वही खोल लेता हूँ, और उसमें मैं अपनी इमेज अपलोड करता हूँ जिसका मैं साइज़ छोटा करना चाह रहा हूँ। अभी ये वाली इमेज मैंने सेलेक्ट की है, सॉरी, ठीक है, और ये इसका साइज़ है JPG रिसाइज इमेज, इसे कर सकता हूँ मैं, इसका इमेज का साइज़ कम कर सकता हूँ। अब डाउनलोड डाउनलोड इमेज करता हूँ और इसको मैं दोबारा अपलोड करता हूँ। ठीक है, अभी भी वो एरर दे रहा है, तो मैं इसको रिड्यूस इमेज साइज इन KB। एक्चुअली वो साइज़ इसका कह रहा है KBs में नहीं, बेसिकली कह रहा, वो उसका कह रहा है कि उसका इमेज के पिक्सल्स का साइज़ बहुत ज़्यादा है, 6000 3000 आई थिंक। ठीक है, तो इसको दोबारा करता हूँ मैं, इसको अभी इसी से सेट हो जाना है इसने। ठीक है, ये वाली थी, इसको मैं पिक्सल्स के हिसाब से करता हूँ, इसको 800 × 600 करता हूँ। अच्छा चलो, वो उसने उसको किया हुआ है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहा है, तो मैं इसको अभी रिसाइज करता हूँ। ठीक है, अभी डाउनलोड करते हैं, अभी अपलोड करते हैं, अभी ये हो जाएगी। ठीक है, तो वो बेसिकली वो उसका जो पिक्सल्स का साइज़ था ना, वो बहुत ज़्यादा था, इसलिए वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो हमने इसको जी ये हमने सेल की तस्वीर लगा दी है। ठीक है, यहाँ से हम इसका फोकल पॉइंट भी बेसिकली सेट कर सकते हैं, जब यहाँ पे मैं फोकस करना चाह रहा हूँ तो इसका ये फोकल पॉइंट सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से इमेज हाइट जो है ना, अगर इसको अडाप्ट टू इमेज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इसको ठीक कर देगा, जो कि तस्वीर थोड़ी सी बड़ी नज़र आ रही थी आपको और वो हाइड हुई हुई थी साइडों से, तो अडाप्ट टू इमेज करेंगे तो वो सेट हो जाएगी। उसके बाद आपका इमेज विद टेक्स्ट आ गया, मैं कहता हूँ जी के 30% सेल ऑन आर प्रोडक्ट्स। ठीक है, या फिर हम ऐसे लिख सक लिख देते हैं 30% फ्लैट ऑफ स्टोर वाइड, के पूरे स्टोर पे 30% फ्लैट ऑफ लगा हुआ है, और डिस्क्रिप्शन आप कुछ देना चाह रहे हैं तो आप दे सकते हैं, नहीं देना चाहे तो उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो तस्वीर है ये सारे प्रोडक्ट्स पे नज़र आएगी आपको, जो भी प्रोडक्ट आप खोलेंगे उसके नीचे ये ऐसे ही नज़र आएगा, तो इसको आपने बड़ा बेहतरीन सा बनाना है। इसी तरह ही फ्री शिपिंग वाला जो ऑप्शन है, इसमें आपने फ्री शिपिंग के हवाले से अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं कुछ, जो कि हमने ऊपर भी कर दिया है,
तो अब दोबारा भी आप करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप कोई इमेज सेलेक्ट कर लें, फ्री, सॉरी फ्री इमेज लिख दिया मैंने, फ्री शिपिंग, ठीक है, फ्री शिपिंग में से मैं फ़र्ज़ करें इसमें कोई पिक्चर ऐड कर लेते हैं जी, कोई अच्छी सी, जैसे कि ये फ्री शिपिंग लिखा हुआ है तो मैं इसको ही डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं, अभी डाउनलोड नहीं हुई, पिक्चर हो रही है। ठीक है, ये आ गया जी हमारे पास। तो यहाँ पे फिर हम इसका टेक्स्ट भी कोई एडिट करके लिख सकते हैं कुछ भी फ्री शिपिंग के हवाले से, कोई आप गूगल में ही सर्च करके देख लें, या इसी तरह ही कुछ जो वेबसाइट्स बनी होती हैं शॉपिफाई पे, या वैसे भी कोई वेबसाइट ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट्स होती हैं, उनसे आप आइडिया ले सकते हैं कि आपने यहाँ पे क्या लिखना है। फ्री शिपिंग के हवाले से आपको बहुत सारे टेक्स्ट मिल जाएंगे लिखने के लिए, बहुत अच्छे जुमले स्लोगन्स मिल जाएंगे, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसी तरह ही हैसल फ्री एक्सचेंजेस लिखा हुआ है, एक्सचेंज अगर आप प्रोडक्ट की सर्विस भी देते हैं कि आप कोई प्रोडक्ट आपसे ख़रीदता है तो आप उसको एक्सचेंज भी, एक्सचेंज का ऑप्शन भी देते हैं, तो वो भी आप इसी तरह ही ऐड कर सकते हैं, पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, और साथ में उसकी अपनी पॉलिसी भी ऐड कर सकते हैं कि जी हम इतने दिन बाद आपका एक्सचेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं। नीचे फिर वही फुटर मेन्यू है आगे जो सारों को नज़र आ रही है पहले से ही, तो ये भी लोड होने में टाइम ले रहा है, अपलोड होने में, क्योंकि 10 MB की तस्वीर थी। खैर इंटरनेट स्लो होगा, मैं इसको फ़िलहाल छोड़ रहा हूँ, इसको मैं कर रहा हूँ सेव। ठीक है, तो ये जितनी भी चेंजेस हैं इसमें हमने किए हैं अभी फ़िलहाल, ये सेव हो चुकी हैं। अब हम इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट है तो हमारे पास ये इस तरह नज़र आ गई है जी, सेल 30% ऑफ, और यहाँ पे हमने अभी फ्री शिपिंग वाले में ऐड नहीं किया, पिक्चर अपलोड नहीं की थी इसलिए कुछ भी नहीं आया। इसी तरह ही हमने यहाँ पे शिपिंग एंड रिटर्न्स में ऐड किया था ये चीज़ें, तो ये आ गई। केयर इंस्ट्रक्शन में हमने कुछ नहीं ऐड किया था, और ये शेयर अगर आप करना चाहते हैं तो वो ये आपको ऑप्शंस आ जाएंगे शेयर करने के। ठीक है, तो ये तो आपका था प्रोडक्ट के हवाले से। इसी तरह ही अगर आप कलेक्शंस को एडिट करना चाह रहे हैं, कलेक्शंस में कुछ चीज़ें ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो आप इसी तरह डिफ़ॉल्ट कलेक्शन में जाके और इनके ऑप्शंस जो भी हैं वो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं कि प्रोडक्ट्स कितने नज़र आएँ, एक पेज पे कितने प्रोडक्ट्स नज़र आएँ, एक कॉलम में कितने प्रोडक्ट्स नज़र आएँ। जब ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगे तो फिर आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी, जब आप प्रोडक्ट्स ज़्यादा ऐड करेंगे उसमें। इसी तरह ही बैनर जो है यहाँ पे क्या लिखा है, कलेक्शन इमेज आए या ना आए, कलेक्शन इमेज अगर आप लगाना चाहते हैं तो, जो कि आपने कलेक्शन बनाते वक्त यहाँ से प्रोडक्ट्स में कलेक्शंस में जाते वक्त यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे कोई इमेज लगाई हुई है इस कलेक्शन की यहाँ से, तो फिर वो नज़र आ जाएगी वहाँ पे। ठीक है, तो ये टोटल स्टोर को बनाने का तरीका था कि किस तरह हमने अपना शॉपिफाई स्टोर का स्टोर फ्रंट बनाना है, और किस तरह हमने अपना प्रोडक्ट्स इसमें ऐड करने हैं, किस तरह कलेक्शंस बनानी है, और उसमें हमने एक प्रोडक्ट जो है उसको उसकी सेटिंग्स किस तरह एडिट करनी है, उस प्रोडक्ट पेज को किस तरह हमने एडिट करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने इसमें वीडियो में आपको बता दी हैं। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बिल्कुल पूछ सकते हैं, आप मुझे इसी वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं।